हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉइस पॉइंट। ये एजिस मतलब आयु का पार्ट टू है। इससे पहले हम पार्ट वन बना चुके हैं, तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले आप पार्ट वन देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। और इसमें जो पहला सवाल रहेगा वो थोड़ा आसान सा रहेगा, जिससे कि पहली वाली जो ट्रिक है पूरी आपको रिवाइज हो जाए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, पहला सवाल है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताऊँगा। पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। क्यू की वर्तमान आयु निकालनी है इसमें। दोस्तों, अगर आपने इसका पार्ट वन देखा होगा तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है। अगर नहीं भी देखा है तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पूरी ट्रिक आपको रिवाइज हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पी और यहाँ लिख लेते हैं क्यू। अब देखिए, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात लिख रखा है यहाँ पर 5:8, और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 2:3। ठीक है, ये वर्तमान रेशियो है 5:8, और 4 वर्ष बाद का अनुपात जो है वो 2:3 है। ठीक है, इनका डिफरेंस जो है 4 वर्ष का अंतर है इनमें। यहाँ पर भी 4 वर्ष का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 4 वर्ष का डिफरेंस होगा। ठीक है, जब वर्षों में ये डिफरेंस बराबर है दोनों जगह, तो हम रेशियो में भी अगर इसका डिफरेंस बराबर कर लें तो जो रेशियो का डिफरेंस आएगा वो 4 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो इनका आपस में रेशियो हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर 5 और 2 का डिफरेंस कितना है? देखिए, यहाँ पर 5 और 2 में 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 8 और 3 में 5 का डिफरेंस है। तो 3 और 5 जो है, अगर ये बराबर होते तो वो सीधे हम उस रेशियो को 4 वर्ष के बराबर कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, अभी बराबर नहीं है तो हम पहले बराबर कर लेते हैं। तो इनका डिफरेंस बराबर करने के लिए हम इनका डिफरेंस बराबर करते हैं। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा पूरा। देखिए, यहाँ पर 5 और 8 का डिफरेंस कितना है? 3। यहाँ पर 2 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1। इस 1 को 3 के बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पी लिख लेते हैं, यहाँ क्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर ये ऐसे ही आ जाएगा 5:8, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर देखिए, 5:8 और 6:9 आ चुका है। देखिए, यहाँ पर इसका डिफरेंस है 1, और यहाँ पर भी इसका डिफरेंस है 1। तो ये 1 आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 4 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा था यहाँ पर? 4 वर्ष। ठीक है, मतलब वर्तमान का रेशियो ये दे रखा था और 4 वर्ष बाद का रेशियो ये दे दिया था। तो इनका रेशियो का डिफरेंस कितना आया है? 1 आर। यहाँ पर आर का मतलब रेशियो है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4 वर्ष। अब देखिए, हमें निकालना क्या है यहाँ पर? क्यू की वर्तमान आयु निकालनी है, तो क्यू की वर्तमान आयु तो ये होगी, 8 आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। 8 आर की वैल्यू कितनी होगी? 8 × 4। जब 1 आर की वैल्यू 4 है तो 8 आर की वैल्यू 8 × 4, 4×8 = 32 आंसर। तो इस तरीके से आप इसी टाइप के सभी सवाल कर सकते हैं। तो हम थोड़ा हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। यह देखिए, दूसरा सवाल है, 10 वर्ष पहले ए की माता ए से 4 गुनी बड़ी थी, 10 वर्ष बाद वह ए से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, ट्रिक बिल्कुल वही यूज़ होगी जो हमने पहले सवाल में यूज़ की है। ठीक है, पहले सवाल को हम समझ लेते हैं, सवाल में है क्या। यहाँ देखिए, 10 वर्ष पहले की बात चल रही है और ये 10 वर्ष बाद की बात चल रही है, मतलब इन दोनों में कितने वर्ष का अंतर है? 20 वर्ष का अंतर है। ठीक है, मतलब वर्तमान से 10 वर्ष पहले और वर्तमान से 10 वर्ष बाद में 20 वर्ष का अंतर हो गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ए की मदर और ए का रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हम ए की माता को हम एम से दिखाएंगे, यहाँ एम लिख लेते हैं और यहाँ ए लिख लेते हैं। ठीक है, एम ए की माता है। तो पहली वाली स्थिति को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 10 वर्ष पहले ए की माता ए से 4 गुनी बड़ी थी, तो यहाँ पर ए की माता 4 लिख लेते हैं यहाँ पर, ये 1। ठीक है, अब दिया है यहाँ पर 10 वर्ष बाद वह ए से 2 गुनी बड़ी हो जाएंगी, मतलब 10 वर्ष बाद की स्थिति दे दी है यहाँ पर, वो कितनी रह जाएंगी? 2 गुनी बड़ी रह जाएंगी। तो पहली स्थिति में जो रेशियो है 4:1 का रेशियो है, फिर 10 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा है 2:1। इन दोनों में कितने वर्ष का अंतर है? यहाँ पर 20 वर्ष का अंतर है। ये 10 वर्ष पहले की बात चल रही है और ये 10 वर्ष बाद की बात चल रही है, इन दोनों में कितने वर्ष का अंतर हो गया? 20 वर्ष का अंतर हो गया। इसी तरीके से इनमें 20 वर्ष का अंतर हो गया। तो बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह बन चुका है, इनका डिफरेंस हम बराबर कर लेते हैं। इस समय डिफरेंस बराबर है नहीं, तो डिफरेंस बराबर करने के लिए पहले हम इनका डिफरेंस बराबर करते हैं। इनका डिफरेंस यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। वही वाली स्थिति आ चुकी है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली आगे यहाँ पर क्या स्थिति बन जाएगी? यहाँ एम लिख लेते हैं, यहाँ पर ए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई करी है, 3 × 2 = 6 और यहाँ पर 3। ठीक है, ये आ चुका है। यहाँ पर कितने वर्ष का अंतर था? 20 वर्ष का अंतर था, लेकिन यहाँ पर रेशियो में कितना अंतर है? यहाँ पर 2 रेशियो का अंतर है यहाँ पर,
और यहाँ पर भी दो रेशियो का अंतर आ चुका है। तो इस 2R की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 20 वर्ष। ठीक है, मतलब 1R की वैल्यू 10 वर्ष। तो निकालनी क्या है हमें यहाँ पर, A की वर्तमान आयु निकालनी है। A की वर्तमान आयु, A की 10 वर्ष पहले की आयु ये है। ठीक है, पहले वाला जो अनुपात था वो 10 वर्ष पहले का अनुपात था, तो A की 10 वर्ष पहले जो आयु थी वो निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर 1R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। जब 10 वर्ष पहले A की आयु 10 है तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 10। तो वर्तमान में हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10 प्लस 10 बराबर 20। ये हमारा आंसर आ जाएगा, वर्तमान में उसकी एज कितनी होगी, 20 वर्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल है, पिता की आयु उसके तीनों पुत्र की आयु के योग की 4 गुनी है, परंतु 6 वर्ष बाद यह केवल 2 गुनी रह जाएगी, पिता की आयु क्या है। इस सवाल को पढ़कर बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन सवाल बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है, बस हमें लिखने का तरीका आना चाहिए, इसे सवाल को समझना है पहले। तो यहाँ पर देखिए पिता की आयु और तीन पुत्रों की आयु की बात चल रही है, तो तीनों पुत्र की एक साथ आयु की बात चल रही है, अलग अलग तो बात चल नहीं रही है। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे दिया है ऐसे ही लिख लेते हैं हम। इसके पिता को पीछे दिखाएंगे या एफ से दिखा दीजिए, फादर। और यहाँ पर तीन पुत्र हैं तो तीनों पुत्र को हम 3S से दिखा देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ पर इनका रेशियो दे रखा है पुत्रों की आयु के योग की 4 गुनी है। ठीक है, इनके आयु के योग की 4 गुनी है। एक पुत्र की आयु 1 मान लीजिए, तो तीन पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि हम 3 क्यों मान रहे हैं, 1 क्यों नहीं मान रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी तीनों की आयु क्या मान लेते हैं, 3। कितनी है पिता की आयु, इनसे 4 गुनी है, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, परंतु 6 वर्ष बाद यह केवल 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है, 6 वर्ष बाद ये कितनी रह जाएगी, 2 गुनी। तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, इससे दुगुना कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6। ठीक है, तो 2 गुनी इतनी रह गई, यहाँ 6 वर्ष का अंतर है, ये 6 वर्ष का अंतर है यहाँ पर। अब देखिए एक स्थिति ये हुई, अब लिखते हैं हम यहाँ पर इसके पिता की तुलना तीनों पुत्रों से की थी, अब हम करते हैं इसके पिता की तुलना केवल एक पुत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम यहाँ एफ और यहाँ पर लिख लेते हैं एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीन पुत्रों की आयु कितनी मानी थी हमने, 3, तो एक पुत्र की आयु कितनी होगी यहाँ पर, 1। ठीक है, और यहाँ पर ये 12, अगर एक पुत्र की बात चलेगी तो ये पिता की आयु 12 गुना होगी। अब इसी तरीके से हम इसमें कर लेते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 गुना मतलब तीन पुत्र की आयु 3, तो एक पुत्र की आयु 1, तो यहाँ पर 6 ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, अब सवाल दोस्तों ये बन चुका है, इसे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए जो मैंने आपको ट्रिक पहले बताई थी वो ट्रिक इसमें नहीं लगेगी, यहाँ पर 3 पुत्र हैं, अगर यहाँ पर 6 वर्ष बढ़ा है तो यहाँ पर 6 वर्ष नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर तीनों पुत्रों में 6-6 बढ़ेगा, मतलब यहाँ 18 वर्ष बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसमें ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते थे। हम ट्रिक इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें केवल एक पुत्र आ चुका है, अगर 6 वर्ष इसमें बढ़ेगा तो 6 ही वर्ष इसमें बढ़ेगा। तो इनका डिफरेंस कितना है यहाँ पर, इसका डिफरेंस 6 है और इसका डिफरेंस 0 है, तो इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए मैंने आपको बताया है, इनका डिफरेंस पहले बराबर कर लीजिए। यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, 11, और यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना है, 5। ठीक है, अब इस 11 और 5 को बराबर करने के लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम 11 से। थोड़ा हम आगे कर लेते हैं, इसे गुणा करने के बाद जो स्थिति आती है कुछ ऐसी आती है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई की है तो 12 पंजे 60, रेशियो 5:1:5। और यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11×66, रेशियो 11×1 की गुणा करेंगे 11। ये सवाल बन चुका है, अब सवाल में निकालना क्या है एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु निकालनी है, पिता की आयु कौन सी है, ये है। यहाँ पर इसका अंतर कितना था, 6 वर्ष अंतर था, 6 ही वर्ष तो था अंतर। ठीक है, अब इनके रेशियो में कितने अंतर है, यहाँ पर भी 6 का अंतर है +6 और यहाँ पर भी +6 का अंतर है, तो +6 आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ चुकी है, 6 वर्ष। तो 1R की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1 वर्ष। इसी तरीके से 60R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 60R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष। ये हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यह देखिए सवाल है, एक व्यक्ति की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का 150% परंतु 10 वर्ष बाद की आयु का 75% है, उसकी वर्तमान आयु निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर दो स्थिति दे दी हैं, एक तो देखिए प्रेजेंट से पास्ट की तुलना कर दी है और एक बार
प्रेजेंट से फ्यूचर की तुलना कर दी है। तो यहाँ दोस्तों हम लिख लेते हैं प्रेजेंट, और यहाँ लिख लेते हैं फ्यूचर, और यहाँ लिख लेते हैं पास्ट। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है। इनका रेशियो हम लिखते हैं। अब शुरू में दिया है 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है, मतलब वर्तमान में जो आयु है वो 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है, मतलब ये 150% है। ठीक है, अब 150% का मतलब क्या है? अब देखिए 150 को यहाँ लिख लेते हैं, मतलब इसका 150 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ये कितनी है? 3/2 है। किसकी? इसकी। ठीक है, ये 3/2 है इसकी। अगर ये 1 है तो ये 3/2 है, या हम कह सकते थे अगर ये 100 थी तो ये 150 थी, इस तरीके से भी कह सकते थे। हमें लिखना है रेशियो में, तो रेशियो में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपके ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो मेरी परसेंटेज की वीडियो देख लीजिए, परसेंटेज का पार्ट 1 देखिए, इसके लिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3/2 है किसका? इस पास्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक से हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ये 2 इधर पहुँच जाएगा, अगर ये 2 है तो ये 3 है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं हम, नीचे वाली वैल्यू दूसरी ओर पहुंच जाती है। ठीक है, अब तुलना करते हैं हम इसकी फ्यूचर से। तो फ्यूचर वाली वैल्यू हम एक ही बार में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, परंतु 10 वर्ष बाद की आयु का 75% है, मतलब ये जो है प्रेजेंट की आयु 10 वर्ष बाद की आयु का कितना? 75% है केवल। तो 75% के मतलब क्या हो गया यहाँ पर? 75% को अगर हम 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 तिया 75, और 25 चौका 100, 3/4 आ गया है। तो प्रेजेंट में कितना है? 3/4। किसका? फ्यूचर का। तो 3/4 यहाँ ना लिखकर हम यहाँ लिख लेते हैं, बात एक ही है, ये अगर 3 है तो ये 4 है। ठीक है, 3 है, अगर हम नीचे 4 लिखते तो 4 उधर पहुँच जाता, बात एक ही थी। अब देखिए 2 रेशियो आ चुके हैं, अब बहुत आसान सा सवाल बन गया है, वही वाला सवाल बन गया है, बहुत आसान से सवाल जो होते हैं, ए और बी का रेशियो दे देते हैं, बी और सी का रेशियो दे देते हैं, तो ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल वैसा ही सवाल बन गया है। यहाँ पर देखिए 2 स्थिति, यहाँ पर 2 पोजीशन दे दी हैं, एक ये दे दी है और एक ये दे दी है, तो हमें इन तीनों का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालोगे? अब देखिए ये रेशियो निकालने के लिए बीच का जो रेशियो होता है वो बराबर करते हैं, और यहाँ पर पहले से ही बराबर है, जब पहले से ही बराबर है तो बिल्कुल ऐसे ही लिख देते हैं हम, 2:3:4, ये रेशियो आ चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? उसकी वर्तमान आयु कितनी है? अब देखिए वर्तमान आयु निकालनी है, वर्तमान आयु क्या है? ये इसकी वर्तमान आयु है। अब इनका अंतर कितना दे रखा था? यहाँ पर 2 और 3 का अंतर कितना दे रखा था? 10 वर्ष। यहाँ पर रेशियो में कितना अंतर है? 1। तो इस 1 आर की वैल्यू कितनी है? 10 वर्ष है। ठीक है, तो इस 3 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। 3 आर की वैल्यू 3 वर्ष, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं आप, ये देखिए तरीका वही है, बस आपको अपने दिमाग में बैठाना है। एक तो आप इसे रट भी सकते हैं और एक आप इसे समझ भी सकते हैं, अगर आपके समझ में आ गया तो इस टाइप के कैसे भी सवाल में आप ये ट्रिक भिड़ा सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात 1:5 है, माता और पिता की आयु का अनुपात 4:5 है, 2 वर्ष बाद पुत्र तथा माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु निकालनी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले दे रखा पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात, तो पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात यहाँ लिख लेते हैं। पुत्र को हम दिखाते हैं एस से और पिता को दिखाते हैं हम एफ से। ठीक है, इसके बाद हम लिख लेते हैं माता को एम से। ठीक है, तो इन तीनों का रेशियो हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया है पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात दे रखा है, यहाँ पर कितना? 1:5, ये अनुपात दे दिया। अब देखिए इसके बाद दिया है माता और पिता की आयु का अनुपात, कितना दिया है? 4:5। ये किसका अनुपात दिया? माता और पिता की आयु का अनुपात, मतलब एम के नीचे 4 है और एफ के नीचे 5 है, एफ के नीचे पहले से ही 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ऐसा का ऐसे रहने देते हैं, इस एम के नीचे 4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 1:5:4 आ चुका है। इसके बाद 2 वर्ष के बाद दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 वर्ष के बाद पुत्र तथा माता की आयु का अनुपात दिया है 3:10 है, तो 2 वर्ष बाद जो रेशियो है वो ये है, यहाँ 3 है और यहाँ पर है 10, ये हमें पता नहीं है, और हमें एफ की वर्तमान आयु निकालनी है। तो बिल्कुल पहले वाला सवाल बन चुका है। तो देखिए हम पहले इनका रेशियो बराबर है या नहीं ये देखते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 6, तो रेशियो बराबर नहीं है, तो
तो रेशियो बराबर करने के लिए पहले हम इनका रेशियो बराबर करते हैं, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 3, और यहाँ पर कितना है? 7। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम SFM। ये क्या बन जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 28। और नीचे कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद? 3 या 9, इसका पता नहीं, यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितना है 2 वर्ष का, और रेशियो में कितना अंतर है वो भी 2R का है। यहाँ पर 7 और 9 का अंतर कितना है? 2R, और वो 2R किसके बराबर है? 2 वर्ष के बराबर है। और इसी तरीके से यहाँ भी 2R का है, मतलब सबका डिफरेंस बराबर ही आ जाता है। जब इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा तो बीच वाले का भी डिफरेंस बराबर होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 37। अगर ये निकालना होता तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते थे इसी तरीके से, लेकिन हमें निकालना नहीं है। निकालना क्या, हम इस 35R की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इस 2R की वैल्यू 2 वर्ष आ चुकी है, तो 1R की वैल्यू 1 वर्ष, और इसी तरीके से इस 35R की वैल्यू 35 वर्ष, ठीक है। ये तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, जब हमें यहीं पता चल गया 2R की वैल्यू 2 वर्ष है तो 35R की वैल्यू 35 वर्ष, यहीं हम इसका आंसर लगा सकते थे। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई दूसरे सवाल आ रहे हो तो आप कमेंट में बता दीजिए उन सवालों को, जिससे कि मैं आगे वाली वीडियो में इंक्लूड कर सकूँ उन सवालों को। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो में तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।